नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चौहान है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CS 303 यूनिक शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में शेल प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, शेल स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं, उसको हम प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। आज हम लॉजिकल एंड और ऑपरेटर को कैसे उपयोग में लाते हैं, हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ये एक हम शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और उसको रन करके देखेंगे। इसके लिए हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्लेसेस में होम फोल्डर में जाकर एक फाइल क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। इसको ओपन करके हम सेव एज कर लेंगे my.sh। इसका जो शेल स्क्रिप्टिंग का एक्सटेंशन होगा वो .sh होगा। ये हमारी एक शेल स्क्रिप्ट फाइल बन गई है my.sh। एम्प्टी फाइल क्रिएट कर ली है हमने। प्रोग्राम लिखने के बाद भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। हम यूज़र से इसमें डेटा ले रहे हैं, इसके लिए हम लिख रहे हैं रीड पी। पी मतलब प्रॉम्प्ट। ये हमें स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करेगा कि एंटर ए। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू हम एंटर कर देंगे इस तरीके से। अब हम लिख रहे हैं रीड प्रॉम्प्ट एंटर बी। ये हम यूजर से इसकी वैल्यू इनपुट करा लेंगे। अब हम इफ कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ए, डॉलर साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू ट्रू है एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं लॉजिकल। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, बीच में एंड ऑपरेटर है इसलिए अगर दोनों की कंडीशन ट्रू होगी देन ई को बोथ आर ट्रू, और एल्स क्या हो जाएगा, ई को बोथ आर नॉट ट्रू। अब क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है इसलिए इन दोनों की कंडीशन जब ट्रू ट्रू होगी तभी ये ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स फॉल वाली होगी क्योंकि एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर हम ए की वैल्यू भी ट्रू एंटर करेंगे और बी की वैल्यू भी ट्रू एंटर करेंगे तभी इफ की ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एंड के केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब हम लॉजिकल एंड को यूज़ करेंगे। एक आपको विशेष ध्यान यहाँ पर ब्रैकेट्स का देना है, जिस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ आपको इसी तरीके से ब्रैकेट लगाने हैं, स्पेसिंग इसी तरीके से देनी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी हम इफ़ कंडीशंस को ओपन करते हैं तो FI से उसको क्लोज करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ किया जाता है। अब हम सेम कंडीशन लिखेंगे वापस से और के लिए, इफ
ट्रू, इस वक्त हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? लॉजिकल और। इस केस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन इको एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, एल्स क्या हो जाएगा, इको नन ऑफ देम इज ट्रू। इस तरीके से अगर एक भी कंडीशन में अगर हमने ट्रू टू एंटर किया, अगर ए ट्रू है या बी ट्रू है, तो हमारी कंडीशन ट्रू वाली चलेगी। अगर एक में भी फॉल्स है और एक में ट्रू है, तब भी हमारी कंडीशन ट्रू वाली चलेगी, क्योंकि इस वक्त हमने क्या यूज़ किया है, और ऑपरेटर यूज़ किया है। इसलिए एक हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी करके देख लेते हैं। इफ वैल्यू ऑफ ए इज नॉट ट्रू, देन इको ए वॉज इनिशियली फॉल्स एल्स इको ए वॉज इनिशियली ट्रू। इस तरीके से हमने ये भी कंडीशन लिख ली है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस स्क्रिप्ट को हम रन करके देखते हैं हमने क्या किया है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट किया है एंटर ए, ए की वैल्यू को एंटर करिए। फिर जब ए की वैल्यू एंटर होगी तब बी प्रॉम्प्ट होगा और बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए और बी में दोनों ट्रू हैं और इफ़ की कंडीशन में बीच में लॉजिकल एंड है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होने पर ट्रू वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर ए ए की वैल्यू ट्रू है, बी की फॉल्स है, तो अगर एक भी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी तो लॉजिकल और के केस में फिर भी ट्रू वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी। और के केस में जिस तरीके से आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आपको उस प्रकार आउटपुट मिलेगा। तो ये हमने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया है, स्क्रिप्ट लिख ली है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। जब भी कोई इफ स्टेटमेंट ओपन होगा तो उसको हम क्लोज करेंगे fi से। इस केस में भी हम fi लिखकर इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर भी हम fi लिखकर इसको क्लोज करेंगे। हमने पहले इफ को क्लोज कर दिया था, अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम रन करके देखेंगे। एप्लीकेशन में एसेसरीज में जाकर टर्मिनल ओपन करेंगे। इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रिप्ट को हम लिखेंगे डॉट स्लैश माई डॉट एस एच, ये हमारी फाइल का नाम है, एस एच एक्सटेंशन के साथ। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमको प्रॉम्प्ट करके दे रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। जब तक हम ए की वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये प्रॉम्प्ट करता रहेगा। ए की वैल्यू में मैंने अगर ट्रू इंसर्ट किया है और बी में मैं अभी ट्रू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि दोनों ट्रू है तो बहुत हार्ड ट्रू आया है। एटलीस्ट वन ऑफ द देम इज ट्रू आया है और के केस में, और ए ट्रू था इनिशियली, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया है। अब हम वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को।
एक में हम फॉल्स लिखते हैं। देखिए अब इसमें आया है बोथ आर नॉट ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, और इस तरीके से एंड और की कंडीशन हमने एग्जीक्यूट करके देख ली है। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, माई डॉट एस एच में हम दूसरा प्रोग्राम लिख देते हैं। टू नंबर्स को ऐड करने का ऑपरेटर यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा एडिशन होगा, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बाकी सारे ऑपरेटर भी आप इस तरीके से यूज कर पाएंगे। मैं लिख रहा हूँ इको एंटर दी टू नंबर, रीड करेंगे हम दो नंबरों को, इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं आप, नंबर वन नंबर टू, प्रॉम्प्ट नहीं कर कर हम डायरेक्ट रीड कर रहे हैं, ये दूसरा मेथड हो जाएगा रीडिंग का। अब हम जैसे सम कैलकुलेट करें तो हम सम, हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम एक्सप्रेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कमांड को, ये देख रहे हैं। आपको ऑपरेटर यूज़ करना है बैक टिक, ये सिंगल कोट ऑपरेटर नहीं है, ये बैक टिक है, इसको बैक कॉट भी बोलते हैं, जैसे हम सिंगल कोट बोलते हैं इस तरह से इसको बैक कॉट बोलते हैं। ये आपके एस्केप की होती है, उसके नीचे जो टिल्ट साइन होता है उसके साथ में ये ऑपरेटर दिया हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे स्क्रिप्टिंग में, यह सिंगल कोट ऑपरेटर नहीं है। एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ नम वन प्लस वैल्यू ऑफ नम टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इको सम इज, इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे सम की इस तरीके से। और हम सम किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक तरीका एक्सप्रेशन यूज़ करके हो गया, ई एक्स पी आर यूज़ किया है हमने। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, सम वैल्यू ऑफ डबल ब्रैकेट लगाएंगे, स्पेसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, स्पेसिंग जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ आपको वैसे ही स्पेसिंग करनी है इस तरीके से। ये हमने सबसे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया था, अब हम कैपिटल ब्रैकेट, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। इस वक्त आपको सिंगल ब्रैकेट यूज़ करना है, जब आप सबसे छोटा ब्रैकेट यूज़ करेंगे तब आपको डबल यूज़ करना है, और जब बड़ा यूज़ करेंगे तो केवल एक ही ऑपरेटर एक ही ब्रैकेट यूज़ करना है। स्पेसिंग वही रहेगी, वापस हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तीन बार वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम, अलग अलग तरीके से हमने किया। अब इसमें आप ऑपरेटर चेंज कर दीजिए, सम की जगह डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दीजिए, आप जो चाहें उस टाइप के प्रोग्राम इसमें आप फिर बना सकते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, बस आपको इनकी स्पेसिंग और कौन सा ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तब किस तरीके से स्पेसिंग देनी है ये आप इस प्रोग्राम को देख कर सकते हैं। ऑपरेटर का ध्यान रखेंगे, स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे, जब छोटा ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो डबल ब्रैकेट यूज़ करने, बड़ा वाला यूज़ करेंगे तब हम सिंगल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब इसको हम रन करते हैं, एसेसरीज में जाके टर्मिनल ओपन करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दो नंबर एंटर करेंगे हमने इस तरीके से, क्योंकि हमने रेडी भी इस तरह से किया है इसलिए एक स्पेस देकर। देखिए आपको तीनों टाइम पे आउटपुट आपको शो हो गया है, इस तरीके से हम ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।